नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार में इन दिनों अधिकारियों के बुरे दिन चल रहे हैं। छापेमारी का दौर चल रहा है लगातार। जो तमाम लोक सेवक हैं, अभियंता हैं, अफसर हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं या बीडीओ हैं, सीओ हैं, सभी के ऊपर नीतीश कुमार सख्त हो चुके हैं। अफसरशाही का आरोप लगाते रहे हैं नेता हमेशा। और इसे लेकर अब जो निगरानी विभाग है या फिर जो परिवर्तन निदेशालय है यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी, निगरानी अन्वेषण विभाग जो है, वो सीबीआई जो है, वो लगातार अब छापेमारी कर रही है। अगर बिहार में हम सिर्फ अवैध बालू खनन की बात करें तो लगभग 4 दर्जन से ज्यादा अधिकारी अभी तक इस मामले में निलंबित हो चुके हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार एक पीडब्ल्यूडी के अभियंता कौनते कुमार के आवास पर छापेमारी चल रही है। मोतिहारी से लेकर पटना और पटना के कई आवास पर उनके छापेमारी चल रही है और चप्पे चप्पे की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि करीब आय से 1,76,00,000 रुपए अधिक बरामद हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो राजधानी पटना से सामने आ रही है, जिसके मुताबिक निगरानी विभाग की टीम ने एक इंजीनियर के घर छापेमारी की है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अभियंता के घर पर विजिलेंस की टीम ने रेड मारा है। जी हां, निगरानी विभाग की 3 टीमें इंजीनियर के घर पर चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र इलाके में स्थित पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर के घर यह छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी की टीम यह कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि राजधानी पटना में जिस इंजीनियर के घर छापेमारी चल रही है वो मोतिहारी में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है और इनके खिलाफ निगरानी विभाग की टीम ने 1,76,00,000 से अधिक आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि इंजीनियर के आवास से भारी मात्रा में कैश रुपए बरामद किए गए हैं और आगे भी अभी तलाशी चलती रहेगी। और यह कोई पहला मामला नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अवैध बालू खनन में ही सिर्फ 4 दर्जन के आसपास अधिकारी निलंबित हो चुके हैं, जिसमें 4 डीएसपी हैं, 2 आईएएस हैं और भी कई अधिकारी हैं जिनके गाद अभी तक गिर चुकी है। अनिल कुमार को हमने नहीं अभी तक नहीं भूले हैं, वही अनिल कुमार जिनके स्कॉर्पियो से 18,00,000 रुपए बरामद हुए थे और दरभंगा में उनके आवास से करीब 49,00,000 रुपए बरामद हुए थे। और उनका यह बयान आया था कि यह वर्क कल्चर है। इसके साथ ही साथ अनुभूति श्रीवास्तव जिनके खिलाफ जनता दरबार में जब किसी ने शिकायत की तब उन पर एक्शन लिया गया। नगर आयुक्त रहे हाजीपुर के, डुमराव में जब वो पोस्टेड थे तो वो उन्होंने एक नई टेक्निक डेवलप की थी करप्शन को लेकर, कि किस तरीके से गोरख धंधे के माध्यम से करप्शन किया जा सकता है। और जब जिला अधिकारी बक्सर ने उनके खिलाफ लिखित में कंप्लेन दिया तब भी उन पर एक्शन नहीं लिया गया। जनता दरबार में जब उनके खिलाफ नीतीश कुमार शिकायत सुनते हैं तब उन पर तत्काल एक्शन लिया जाता है। इसके साथ ही साथ पालीगंज के डीएसपी तनवीर अहमद और आरा यानी भोजपुर के डीएसपी पंकज कुमार रावत भी इन दिनों निलंबित चल रहे हैं। ये दोनों के दोनों अवैध बालू खनन के मामले में आरोपित थे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज ही बयान आया है जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का, अफसरशाही को लेकर उन्होंने तीखी टिप्पणी की है। तो लगातार नीतीश कुमार इन बातों को संज्ञान में ले रहे हैं और साथ ही साथ बिहार में अफसरों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। अफसरशाही और साथ ही साथ बढ़ते भ्रष्टाचार यानी करप्शन को लेकर सरकार जो है वो अब सख्त हो चुकी है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ द इंडिया टॉप को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह खबर आपको कैसा लगा है हम तक जरूर बताइएगा। धन्यवाद।